वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज देश से मुख्य खबरें। पिछले साल अक्टूबर में फेसबुक का नामकरण हुआ है, जिसके बाद कंपनी का नाम मेटा पड़ गया। मेटा की सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि वह चाहते हैं कि दुनिया उनकी कंपनी को सिर्फ फेसबुक के तौर पर नहीं बल्कि एक मेटावर्स के रूप में जाने, लेकिन लगता है कि दुनिया को कंपनी का नया नाम रास नहीं आ रहा है। नए नाम के बाद भी विवाद कंपनी का पीछा नहीं छोड़ रहे। मेटा ने अपने एक बयान में कहा है कि यदि उसे अन्य देशों के साथ यूरोपियन यूजर्स का डाटा शेयर करने की इजाजत नहीं मिलती है तो उसे अपनी सेवाएं बंद करनी होगी। मेटा ने कहा है कि यूजर्स का डाटा शेयर ना होने से उसकी सर्विस पर प्रभाव पड़ता है। यूजर्स के डाटा के आधार पर ही कंपनी यूजर्स को विज्ञापन दिखाती है। आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कुछ समय तक के लिए अभी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। दरअसल 9वीं से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से ही खुलेंगे। सरकार स्कूलों के 95% बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज दे चुकी है। निजी स्कूलों के आधे बच्चों को भी डोज लग गई है। यूपी में आए दिन चुनाव को लेकर नई नई खबरें आती है। यूपी विधान परिषद चुनाव कार्यक्रम में बदलाव हो गया है। दरअसल अब इन चुनाव के मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। चुनाव के लिए 15 मार्च का नामकरण किया जाएगा। आइए जान लेते हैं क्या है शिक्षा के दिल्ली में हाल। दिल्ली में कोविड 19 के घटते मामलों के बीच 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुलेंगे। शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDME की बैठक में इस पर फैसला लिया गया था। इस दौरान सभी लोगों को सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को पूरा करना होगा। स्कूल स्टाफ में जिसने भी कोविड 19 वैक्सीन नहीं लगाई होगी उसे स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को संसद के चालू बजट सत्र में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुई बहस और सवालों पर जवाब देंगे। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान 12 घंटे से अधिक समय तक संसद चली है। वहीं राज्यसभा में सदन के लिए निर्धारित समय का 100% इस्तेमाल किया गया। बजट सत्र के पहले सप्ताह में राज्यसभा की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी 100% रही है। देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।